नाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी, वाहिगुरु साहिब जीओ। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। वाहिगुरु साहिब जीओ, आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी, पानिया सिर बाणी। जिनको नदर करमू होवे, हिरदय तिना सुमानी, पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जपे हो सारंग पानी। कह नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी, कह नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी। सुपहु टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुपाय, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। सूही महला चौथा, घर सतवां इको ओंकार, सतगुरु प्रसाद। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्णन न साकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्णन न साकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम धर सोई, ज्यों भावै त्यों राख मेरे साहिब, मैं तुझ बिन अवर न कोई रहाऊ। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास, मैं होर थाव नाही जिस पह करूं बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। विचे धरती विचे पानी, विच कासट अगन तरी जै, बकरी सिंह इक तै थाए राखे, मन हर जप भ्रम भो दूर की जै। हर की वडियाई देखो संतो, हर निमानिया मान देवाए, ज्यों धरती चरण तले ते ऊपर आवै, त्यों नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए। ज्यों धरती चरण तले ते ऊपर आवै, त्यों नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन उपदेश तन तन सोडी सुल्तान पातशाह साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी का उच्चारण किया होया, सूही राग के अंदर सत्तवें घर के सुरताल में, अंक नंबर 735 उत्ते 735 ते अंकित है। तो गुरु पातशाह जी ने मंगलाचरण उच्चारण करके ये शब्द आरंभिया है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वह अकाल पुरख एक है, सतगुरु की कृपा द्वारा बख्शिश द्वारा वह प्राप्त होंदा है। सतगुरु उपदेश करते हैं, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। ये मेरी हे वाहिगुरु परमेश्वर, तू मेरा मालिक, गुणा का खजाना है,
ते तेरे में केड़े केड़े गुण कह कह के तेरी सिफत करा। तुमरी महिमा भर न साकूं तू ठाकुर ऊंच भगवाना। हे मेरे वाहिगुरु परमेश्वर, तू इन्ना उच्चा है कि तेरी महिमा मैं बयान नहीं कर सकता। जिन्ने मर्जी तेरे गुण गा लवा, तेरी सिफतों सलाह कर लवा, पर तेरे गुणा नू मैं बयान नहीं कर सकता। मैं हर हर नाम धर सोई, मेरे वास्ते तेरा नाम ही तेरा नाम ही मेरा आसरा है, सहारा है। कृपा कर ज्यों भावै त्यों राख मेरे साहिब, मैं तुझ बिन अवर ना कोई। मैनू तेरे बिना कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं। जिवें तेनू भावे तिवें तू मैनू रख। सतगुरु कृपा करन ये पावन उपदेश गुरु पातशाह जी का साडे सारिया के हिरदे विच वसे। असी सतगुरु के उपदेश ते चल के सतगुरु दी रहमतां असीसा बख्शिशा दे पात्र बनीए। अज सब तो पहला सरबत माई भाई नूं, सारी संगतां नूं, तन तन जुगो जुग अटल दस पातशाहियां दी आत्मक जोत शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पहले प्रकाश दिवस दियां बहुत बहुत वधाइयां होण। साध संगत सन 1604 1604 दे विच धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने गुरु साहिबान दी भगतां दी जिन्नी भी बाणी सी गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु अर्जन देव महाराज जी की बाणी तक अते जिदे विच नाल होर कई भगतां दी पीरां फकीरां दी बाणी सी जिहड़ी कि पहले पोथियां दे रूप विच हुंदी सी ते उस बाणी नूं इकत्र करके बड़ी मेहनत घालना मुशक्कत सदका धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सोलह सौ चार ईस्वी के 1604 दे विच सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की स्थापना हो गई, ये बाणी का संग्रह तैयार हो गया तो पहला प्रकाश गुरु साहब जी ने सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे किया। अगे संगत आदियां सन तो गुरु पातशाह जी के दर्शन कर दिया सन, पर जदों गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पहला प्रकाश सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे करवाया, गुरु पातशाह जी आप नीवी थां ते बैठे तां कि संगतां हुण मैनू नहीं धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं नमस्कार करन। ते असी ये बाणी का संग्रह करके गुरु साहिब जी ने सानू ऐसा एक खजाना वाहिगुरू दे सिफतों सलाह दा नाम दा साडी झोली विच पाया, जिस बाणी नू पढ़िया सुनिया विचारिया जिस बाणी नू पढ़न दे नाल सुनन दे नाल विचारन दे नाल मन दे विच धारण करन दे नाल मनुख नू आत्मक सुख ते आत्मक आनंद दी प्राप्ति हुंदी है। साध संगत इस महान दिन ते आप सारी सिख संगत नूं बहुत बहुत वधाई होवे। ते ए बाणी ऐसी है कोई गावै को सुनै हर नामा चित लाए, कोई भी इस बाणी नूं सुनेगा पढ़ेगा ते हरी दे नाल सुरत जोड़ेगा फिर की होवेगा,
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੋਣ ਚੇਲਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।